हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए, रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और उसके बिहाव पर आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल है ना डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है वो, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब यहाँ से और यहाँ तक 8 सेकेंड तक है ना, 8 सेकेंड तक आपको क्या करना है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्लेसमेंट और एक होती है डिस्टेंस, दोनों पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को होल्ड करते हैं है ना, और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड होते हैं। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं आपकी अगर वेलोसिटी क्या होती है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर मैं लिखूँ, हाँ वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू है ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो पूछा गया है ना, तो अगर डिस्प निकालना है तो क्या करूँगा, वी इंटू टी, यानी मुझे एरिया चाहिए वी टी ग्राफ का। ये वी इंटू टी क्या दे देगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो अगर इसका पूरे का अगर मुझे किसी न किसी तरीके से एरिया, नेट एरिया है ना, नेट एरिया निकल जाए तो मेरा काम बन जाए। ऊपर का एरिया कैसा कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव, नीचे का एरिया कैसा कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव। दोनों को हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा है ना, टोटल इक्विवेलेंट है ना, तो ये हो जाएगी। तो इतनी बात क्लियर होती है ना, होती तो चलो बाकी का फंडा क्लियर करते हैं। और इसमें बेसिक 10 तक की मैथ्स लगेगी, जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के आस्पेक्ट को भी हम देखेंगे इसमें है ना। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये वाला एक ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना है ना, एरिया ये कितना हो गया बेस, तो ये कितना हो गया 1/2 है ना, बेस कितना है 0 से 1 तक, तो ये लेंथ हो गई 1, और हाइट कितनी है यहाँ तक, ये कितनी हो गई 4, तो ये 4 लिख दिया मैंने। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2। तो जो भी निकल रहा है उसको मैंने राउंडेड में कर दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या मैं मिल रहा है आपको, ये रेक्टेंगल मिल रहा है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या क्या होता है, लेंथ इन टू विड्थ होता है। तो ये कितना 3 - 1, तो ये कितना हुआ 2 हो गया है ना, और हाइट, हाइट तो 4 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 8 है ना, तो इसको भी राउंड कर दिया मैंने। फिर दूसरा वाला देखो, ये यहाँ पर क्या है, ये वाला एरिया चाहिए, तो ये भी क्या है एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए 1/2, बेस कितना होना चाहिए 4, और ये यहाँ तक का चाहिए अपन को, तो ये 4 में से 3 माइनस कर देना तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और हाइट कितनी रहेगी यही 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आपको क्या मिल रहा है 2 मिल गया है ना। तो अपर जो सेक्शन था उसका एरिया जो आ रहा है यहाँ लिख देंगे अपन है ना, अपर एरिया अगर अपन बोले कितना है ना 2 8 और 2 12 है ना, 8 + 2 10 10 + 2 12 है ना, तो ये आ गया। अब लोअर एरिया कैलकुलेट कर लो, लोअर एरिया कैलकुलेट कर लो है ना, कलर चेंज करके। इसमें क्या आएगा, इसमें भी लगभग यही वाला है, ये ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस हो गया, बेस कितना 5 - 4 तो 1 हो गया। हाइट अब कितनी है ये यहाँ से कैलकुलेट करो, हाइट कितनी है 2 है, मतलब 2 वो तो अपन फाइनली माइनस कर लेंगे उसमें, तो ये 2 से 2 गया, अल्टीमेटली 2 आया। अब यहाँ से देखो ये भी क्या है, रेक्टेंगल है एल इंटू ब्रेथ, तो रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, देखो 7 - 5 कितना होता है बोलो, 7 - 5 कितना होता है 2 होता है ना 2, तो ये विड्थ हो गई और हाइट कितनी है 2 है, तो ये कितना बना, ये भी 4 बना। अब जो लोचा आ रहा है इसका आ रहा है ना, तो ये वाला एक लोअर ट्रायंगल है जिसका क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 8 और यहाँ तक कितना है 7, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी है ना, 8 - 7 1, हाइट कितनी 2, तो ये 2 से 2 गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो देखो लोअर ट्रायंगल की अगर बात करते 4 और 2 6 है ना, 4 और 2 6, ये 2 कैसे आ रहा है ना, 2 से 2 कट गया तो सिंपल क्या बचेगा 1 ही बचेगा है ना, तो ये 2 ना आ रहा है, ये सिंपल 1 ही आ रहा है ना। अब जोड़ो 4 और 5 और 6 यानी 4 + 1 + तो 6 आ गया है ना, कितना आ गया 6 आ गया। अब ये लोअर ट्रायंगल जो है, लोअर ट्रायंगल है ये कैसा है, नेगेटिव है, और अपर ट्रायंगल कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बताओ,
डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी यानी इसमें डायरेक्शन का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे यहाँ नीचे क्या हो रहा, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन वापस रिटर्न हो रही है, जिधर वेलोसिटी थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फोर से जो जा रही थी, जितने से भी जा रही थी, इधर कभी कभी टू से भी गई वो, है ना। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसिडर की और फिर वापस लौट कर आई। मान लो कि आप है ना यहाँ से यहाँ तक गए, है ना, खाना पीना खाया और फिर यहाँ आ गए, और इस इंस्टेंट पे अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये होगा ना, ये थोड़ी होगा, वो तो डिस्टेंस होगी, है ना। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये कितना होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये अपन को करना पड़ेगा ना, तभी जाके तो ये रिक्वायर्ड जो वो मिलेगा अपन को, नहीं अरे बात समझ, माइनस करना सिंपल। तो माइनस कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 तो 6, है ना, जो रिक्वायर्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। अब अगर वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछ देता तो क्या बताते आप, अगर वो आपसे डिस्टेंस पूछ देता तो फिर आपकी कहानी ये नहीं होती, फिर कहानी कुछ और होती। क्या होती, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, है ना, ये यहाँ तक गया होगा फिर पलट के आएगा, जोड़ दो, ये कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 6, तो ये आ जाएगी 18 मीटर भी इसमें आंसर था, है ना। तो बड़ी केयरफुली ध्यान रखनी चीजें, है ना, अगर वो डिस्टेंस पूछता तो ये आंसर किसका था, डिस्टेंस का था, और ये वाला आंसर किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है, है ना, ये वाला आंसर किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। तो इस टाइप से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें स्टार्ट हो गई है ना। टेस्ट सीरीज़ की अगर अपन बात करें तो टेस्ट सीरीज़ में है ना आशीष सर जो है वो उनके सुपरविजन में चल रही है ना, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ की बात करें। दूसरी बात है कि जो यलगार बैच जो है ना, ये वाली अनअकैडमी के टॉप क्लास के एजुकेटर इसको हेल्ड कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन बैच की अगर बात करें अपन तो वो भी आपको दिख जाएगी, और अर्ली इवॉल्व बैच भी चल रही है। तो इन चीज़ों को आप है ना इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसको ज्वाइन कर सकता है। और अनअकैडमी लाइट का जो सब्सक्रिप्शन है ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट का, है ना, जो ITJEE की अगर अपन बात करें तो मेन और एडवांस के बारे में, है ना, आप देखेंगे ये 250, 200, 150 ये सब क्या है, परसेंटाइल के करस्पॉन्डिंग कितना मार्क्स होना चाहिए, या ये इतने मार्क्स के करस्पॉन्डिंग कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, वाइस से वर्षा। तो ये आप देख सकते हैं, है ना। कोड आपको क्या यूज़ करना है, वही है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि मेगा कॉम्बैट जो है ना, और ये जो है 21 क्वेश्चन 61 मिनट में, है ना, March 27 यानी आज था 11 बजे से, है ना। तो ये भी जो लोग इंटरेस्टेड है वो चीज़ इसको ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आइडियाज़ के साथ।